शहर की सभी एनसीसी इकाइयों ने सम्मिलित रूप से जागरूकता रैली निकाल कर दिया जल एवं वन संरक्षण का संदेश। आज दिनांक 23 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश एनसीसी यूनिट 35 बटालियन एनसीसी गुना के कर्नल एस के सिसोदिया के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार आज एनसीसी दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसके क्रम में आज शहर में गुना शहर की समस्त एनसीसी यूनिटों के द्वारा एक रैली निकाली गई। रैली का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण, वन संरक्षण और पर्यावरण बचाओ पर आधारित था। इस क्रम में हमारे सभी कैडेटों ने शहर में रैली निकालकर लोगों को पानी बचाओ और वन संरक्षण के ऊपर लोगों को जागृत किया। इस रैली में शहर की समस्त यूनिटों के एनसीसी अधिकारी कैडेट्स उपस्थित थे। जज्जी बस स्टैंड पर महिला प्रतीक्षालय एवं महिला स्तनपान घेरे पर लगता है शराबियों का अड्डा। प्रतीक्षालय में खाली शराब की बोतलें एवं अन्य वैशन सामग्री मिली। जगनपुर स्थित शासकीय जमीन पर कब्जा हटाने के दौरान किया पार्टियों ने हंगामा। पार्टी महिला ने अपने नन्हे बच्चे को फेंकने की कोशिश। एसडीएम शिवानी गर्ग ने बच्चे को फेंकने से बचाया। काफी देर तक हंगामा चलने के बाद हटाया गया अतिक्रमण। भुल्लनपुरा चौराहे पर आरों से आ रहा बोरियों से भरा ट्रैक्टर भुल्लनपुरा चौराहे पर डेयरी के सामने पलटा। गनीमत रही कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। चाचौड़ा थाने में अपहरण के मामले में पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर अपहरण बालिका को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया। जैन समाज गुना द्वारा आगामी 25-26 नवंबर को होगा विमानोत्सव का आयोजन। 25 नवंबर नसिया जी में कवि सम्मेलन होगा आयोजित। पधारेंगी अनामिका अंबर। जय जिनेन्द्र, मैं अनामिका जैन अंबर मेरठ से सीधे आपके बीच 25 नवंबर को गुना आ रही हूँ। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए आप लोग जरूर आइए। मैं अपनी कविताओं के साथ, अपने प्रस्तुति के साथ और अपनी टीम के साथ आपके बीच पूरा एक कवि सम्मेलन बहुत मस्ती बहुत आनंद के साथ करूंगी। इसलिए आप सभी लोग जरूर आइएगा, मैं आपके बीच होंगी 25 नवंबर। यही आने वाला 25 नवंबर को आप सभी के बीच गुना मध्य प्रदेश में। थैंक यू सो मच। आज निज निवास राधुगढ़ में आए हुए लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने। पुलिस लाइन में आयोजित हुआ मेधावी छात्र सम्मान का कार्यक्रम। कई छात्रों को किया गया सम्मानित। कुमराज थाना अंतर्गत लक्ष्मी नगर चक गुलवाड़ा में एक युवक विस्फोटक सामग्री लेकर बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किया मामला दर्ज। राधुगढ़ में स्वर्गीय श्रीमती शशि कोठारी की पुण्यतिथि में जैन मिलन राधुगढ़ प्रगति सेवा संस्थान एवं लॉयंस नेत्र चिकित्सालय गुना के तत्वावधान में 47वां विशाल नेत्र शिविर का कार्यक्रम हुआ आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह, जिनके द्वारा आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिन्होंने रावण का नाम पूरे उज्जैन शहर और संभाग में रोशन किया है। डॉक्टर सुरेश चंद जी घटारी जी, आदरणीय शीतल चंद जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ जन नरेंद्र राहुटी जी, विजय कुमार जैन जी, आदरणीय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश शर्मा जी, आज के कार्यक्रम के संचालक आदरणीय अशोक भारत जी, आदरणीय हमारे लायंस क्लब के नए अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे। आज ग्राम चांदनखेड़ी में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सम्मिलित होकर समस्याओं का निराकरण किया कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने। सेंट जॉर्ज विद्यालय में चलाया जा रहा है अविकस ट्रेनिंग प्रोग्राम। नवागत मंडल अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने किए पुरस्कार वितरण।
श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया 24 व 25 नवंबर को रहेंगे गुना दौरे पर, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पतंजलि योग समिति के तत्वधान में आशा कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है योग प्रशिक्षण। प्रशिक्षण 22 नवंबर से हुआ शुरू, जो 5 दिनों तक चलेगा। आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें पतंजलि योग समिति की महिला पतंजलि योग वृंद द्वारा आशा कार्यकर्ता बहनों को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और यह प्रशिक्षण 5 दिवसीय रहेगा, कल 22 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 5 दिन लगातार चलेगा। इसमें हमारी पतंजलि की महिला जिला प्रभारी आदरणीय शोधा त्रिवेदी जी, नीतू परमार, सरला चौधरी जी बहनें आकर रोज प्रशिक्षण देंगी। यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं कोई है या और नहीं? यहाँ पर केवल ये आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चल रहा है, ये लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उनका ही है ये केवल। अच्छा, और वैसे योग की कई क्लासेज चलती रहती हैं। योग अपन किस लिए इनसे करा रहे हैं? या तो अपने अपने केंद्र पे जाके ये महिलाओं को योग, हाँ, इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इनको ये भी बताया जा रहा है कि ये अगर चाहें तो इनके गाँव में भी हम पतंजलि योग समिति के माध्यम से हमारे योग प्रचार। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भदौरा में 108 के जिला प्रभारी शिवकांत उपाध्याय द्वारा स्कूल में छात्र एवं छात्राओं को 108 इमरजेंसी सेवा की जानकारी दी गई।